हमारे मुख्य अतिथि श्री दिलेश्वर राव जी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप के सामने ये देखने के लिए मेहमान बैठे बैठे हैं, अधिकतर पर्सनालिटी बने हैं, सब बिजी स्कूल के विद्यालय के कोर्स छात्र रह चुके हैं। तो ये हमारे लिए और हमारे विद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे हमारे स्कूल के विद्यालय के सीनियर मोस्ट बहुत ही पुरानी छात्रा रह चुकी है। तहे दिल से जीएमएस ओकरा ब्रांच को याद रखा और यहाँ के गरीब बच्चों को आज वो चैरिटी प्रोग्राम के अंतर्गत शूज प्रदान करने जा रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका जो है फिर से शुभकामनाएं देता हूँ, स्वागत करता हूँ, सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करता हूँ। आपको सभी को मालूम होगा 2004 में सुनामी हुआ था, कई लोग खचाल आइलैंड में समय बह गया था। मैं आइनस मगर करके एक शिप है लैंडिंग क्राफ्ट, उसमें कार्यरत था उस समय ऐसे पेटे अफसर। मैं रेडियो ऑपरेटर हूँ, ऐसे वायरलेस ऑपरेटर बोलते हैं, जैसे पुलिस रेडियो में भी कई लोग हैं। तो हमारा मिशन था कि चौरा आइलैंड को बचाना। चौरा आइलैंड में भी पूरा बह गया था और उसमें जितने भी लोग दबके मर गए थे, तो सबसे पहले मुझे वो भाग्य 30 दिसंबर हम पहुँचे थे पूरा राशन वगैरह लेके। सुबह 5 बजे हेलीकॉप्टर से जाके हमने एरियल सर्वे किया, देखें तो उस पहाड़ी में काफ़ी लोग बह गए थे, जो भी लोग वहाँ पे बचे हुए थे। इस तरह हमने 1255 आदमी को वहाँ से निकाला। ये एक अच्छा काम किया मैंने सर्विस में। और करगिल वार में, आपने करगिल वार का बारे में सुना होगा जो 99 में हुआ था, उसमें मैं सपोर्टिंग फोर्स था, शिफ्ट में था। तो ये एक वार देखा और एक अच्छा काम किया, वो भी अपने द्वीपों के लिए। शान तेरी कभी कम ना हो ऐ वतन ऐ वतन। जी हाँ दोस्तों, आज वो शुभ घड़ी है, शुभ दिन है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में तमाम समूचा देश जहाँ हर्षोल्लास के साथ तिरंगा फहरा रहा है, माँ भारती को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। वहीं आज हम 15 अगस्त के दिन निकले थे कवरेज के लिए। ये कार्यक्रम जो हमारे दिमाग में नहीं था और हमें सूचना नहीं थी। जी हाँ, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, जब हम यहाँ कवरेज के लिए आए थे तो हमें खबर मिली कि ओगरा ब्रांच मिडिल स्कूल, इस वक्त में हम वहीं खड़े हैं, आप देख सकते हैं बच्चे मौजूद हैं, तमाम बच्चे हैं और हम चाहेंगे बच्चों से भी बात करना। तो इस वक्त में जो ख़ास घड़ी है और जिससे हमें खुशी महसूस हुई कि ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं और जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि दुनिया कायम है और बदस्तूर जारी है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ हैं दिलेश्वर राव जी, आप देख सकते हैं इनके सीने पे गर्व से हम दिखा भी रहे हैं और इनको भी गर्व है, हमें भी गर्व है और ख़ासकर इस मिडिल स्कूल को गर्व है। दिलेश्वर राव जी जो रिटायर नेवी के हैं, नेवी से रिटायर हुए हैं और ये इसी स्कूल में इन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 1980 के 1984 क्षमा कीजिएगा 76 से 84 तक के यहाँ इनकी पढ़ाई ख़त्म हुई। उसके बाद ये पोर्टमोट स्कूल से पास आउट हुए, फिर अपने जॉब में गए और तमाम उपलब्धियाँ हासिल की। कारगिल वार, उसके बाद उसके बाद सुनामी और आज इन्होंने दिल से इस स्कूल में जो गरीब बच्चे बीपीएल बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनकी फिनेंशियल कंडीशन आर्थिक हालत ठीक नहीं है, उनको मदद करने की सोची और वो यहाँ पे आए और अपने हाथों से उन्होंने बच्चों को शूज़ गिफ्ट किए और ये भी साथ में ऐलान किया तमाम कि जो भी बच्चा 8वीं पास करेगा अव्वल नंबर पे आएगा,
फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, वो आने वाले वर्ष से उनको 10,000, 5,000 और 2,000 ऐसे अपने तरफ से योगदान मदद के रूप में और प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को देंगे। चलिए हम बात करते हैं दिलेश्वर राव जी से और जानेंगे ये भावना उनके जहन में कैसे आई और ख़ासकर आज ये नेक काम वो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में कर रहे हैं। दिलेश्वर राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बताइए ये भावना आपके मन में, ये विचार कैसे आया और कब आया? जैसे कि आपने बताया कि 1976 में से 84 तक हम स्कूल में पढ़ाई किए, तो हमारी घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम मेरे माँ बाप हमें पढ़ा सके। तो खास करके इस गांव के जितने भी लोग हैं, उन जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, सब किसान परिवार से आते हैं। तो उस समय पैंट और शॉर्ट पहनना ही वो बहुत बड़ी बात थी, सू का तो बात ही नहीं है। तो यहाँ तक कि 8 पास करने के बाद भी जब हम 9th में गए, आज हमारे बीच में अंकल जी हैं, तो वो 9th स्टैंडर्ड में भी कुछ दिन मैं शॉर्ट पहन के गया था। तो एक दिन अंकल जी, मुझे याद है वो भूल गए होंगे, हमारे के बाबूराव अंकल है, वो टेक्निकल 4 ऐसे सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिटायर्ड हुए हैं और उन्हीं की धर्मपत्नी है, वो हमारी स्कूल की एलुमिनी है श्रीमती प्रेम कुमारी, उन्होंने 80 में स्कूल से पास आउट हुआ है। वो बचपन में मुझे उंगली पकड़ के लेके आती थी, हम स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड है, हमारे टाइम में तो LKG UKG नहीं हुआ करता था। सो इनके सपोर्ट से आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सिर्फ इसके साथ साथ जितने भी हमारे अध्यापक थे उनका भी अच्छा सपोर्ट था। तो मेरे मन में आया कि ये स्कूल ने मुझे इस काबिल बनाया। इसके बाद जो हम 9th से 12th पोर्टमोड स्कूल में पढ़े, पर फाउंडेशन जो है इसी स्कूल का था। तो इसका कारण यही था कि फाउंडेशन इस स्कूल का था यहीं पे। और ये जो जिस तरह से आज ये जो यूनिफॉर्म का हमने प्लान किया था, क्योंकि मेरी गरीबी हालत में, खास करके खोया साहब यहाँ पे हैं, मैं उसका बहुत दिल से मैं शुक्रगुजार करूँगा। आज हम यहाँ पे हमारी एक सिलाई मैडम थी, अन्नमा मैडम, मिसेस अन्नमा मैडम, उनको भी बहुत याद करूँगा। उन्होंने देखा कि इनकी परिस्थिति ख़राब है, खास करके खोया सर का मैं दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि उन्हें हमारी परिस्थिति को देख के कम से कम जब तक मैं पढ़ाई किया, हर साल मुझे 2 पेयर यूनिफॉर्म मिला। तो जैसे सर क्षमा चाहूँगा, आप अपना तंबा जो है ये ज़रूर दिखाएं, आप ऐसे ऐसे खड़े हो जाएं ताकि हमारे व्यूअर्स भी देखें आपके सीने में लगा हुआ ये तंबा। हाँ जी बोलिए। अच्छा, धन्यवाद। तो उसके बाद जैसे 12th किया था, तो आज के दिन में खासकर 15 अगस्त का दिन लेट श्री रतन सिंह सर को मैं जरूर याद करूँगा। वो हमारे PT टीचर थे, फिजिकल एजुकेशन, साथ में वो हमारे NCC टीचर भी थे। काफ़ी करीबन 10 साल तक इस स्कूल में उन्होंने सेवा किया और ख़ास करके कई लड़कों को तैयार किया डिफेंस में जाने का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। तो आज हमारे बीच में नहीं है, सभी जानते हैं रतन सिंह साहब को। तो मैंने ऑलरेडी सफीक साहब से भी इससे पहले मैंने फेसबुक सोशल मीडिया के मैंने मैसेज पास किया, फ़ोन से बात किया, क्यों ना इस आज हम जो आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, तो उनमें हमारे देश की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने का इनका भी एक हाथ है। कई हमारे स्टूडेंट हैं, उनका नाम आज मुझे याद ना आ रहा है, जैसे मानिकम साहब थे, उसके बाद आज लतीफ़ जो पुलिस में रिटायर्ड होने के बाद आज कैंबल बे में है, उनको भी मैंने फ़ोन किया था, वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। इस तरह काफ़ी लोग, तो रतन सिंह साहब ने और NM बसीर जो अभी हमारे बीच में नहीं है, वो कहीं और फ्लैग हॉस्टिंग में बिजी हैं। तो हमारे स्कूल से काफ़ी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में गए, तो उनका श्रेय सिर्फ लेट श्री रतन सिंह साहब को जाते हैं, जो मीठाघाड़ी गांव के। तो मैंने एक प्रपोजल रखा था कि रतन सिंह साहब का इस स्कूल प्रेमिसस में एक उनका एक स्टैचू होना चाहिए, क्योंकि उनका योगदान बहुत बड़ा था। साथ में जो बाकी टीचर थे उनको भी मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं एक बार आप तमाम लोगों को, आपको भी दिलेश्वर राव जी, कि आज इस शुभ घड़ी में आपने ये शुभ कार्य करने के लिए सोचा, आपके मन में आए। और मैं इसीलिए कह रहा था कि नेक भावना होनी चाहिए, नेक नियत होनी चाहिए, साफ नियत होनी चाहिए कोई भी अच्छे कर्म के लिए। अच्छे कर्म किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। ये गरीबी में पड़े लेकिन इनके अंदर वो एहसास कायम था दिलेश्वर राव जी के, कि मैं गरीबी में पड़ा हूँ तो वो हालात क्या रहे होंगे, वो वक्त क्या रहा होगा। आज वैसे ही हालात में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं
तो उनको अनुभव करते हुए ये जो नेक विचार इनके भीतर आए, और ख़ासकर ये देश के सिपाही रहे हैं हमारे भारतवर्ष के नेवी में, इन वो जज्बा स्वतः ही किसी डिफेंस पर्सनल के जहन में, मन में, मस्तिष्क में आ जाता है, वो भावना इनमें कूट कूट के भरी है। चलिए, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और तमाम हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए, और ये आपसे अनुरोध करते हैं ऐसी भावनाएं आपके भीतर पनपे और आप भी ऐसे ही नेक काम के लिए आगे आएं और देश को मजबूत करें, समाज को मजबूत करें, परिवार को मजबूत करें। आज कौन सा दिन है? चलिए हम इस वक्त में मौजूद हैं, हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, देखिएगा सारे हमारे यहाँ के मिडिल स्कूल ओगरा ब्रांच के बच्चे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। आने वाले पीढ़ी जो हैं, आने वाले देश का भविष्य इन्हीं पे निर्भर करता है, तो हम आज इनसे मुलाकात करेंगे और इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। बेटा अपना नाम बताइए। सिग मोहम्मद आहिल। अच्छा, आज बेटा क्या दिन है बताइए? 15 अगस्त। अच्छा, आपने झंडा फहराया घर पे? हाँ। अभी स्कूल में फहराओगे? हाँ। झंडा फहराओगे उस वक्त में क्या बोलना होता है, देश के लिए क्या नारा लगाना होता है? वंदे मातरम बोलते हो? हाँ, लगाओगे। अच्छा, आपका नाम बताइए। सुब्रत सरकार। हाँ, तो आप बताएं आज क्या दिन है? 15 अगस्त। 15 अगस्त। 15 अगस्त में क्या किया जाता है? वंदे मातरम गाया जाता है। अच्छा, और क्या गाओगे? जनगण। ओके। बेटिया रानी, आपका नाम क्या? आलिया। यहाँ आ जाओ। अच्छा आलिया, आज 15 अगस्त है क्या? पता है आपको? हाँ, किसने बताया ये 15 अगस्त के बारे में? मैम लोग बोले हैं। अच्छा, 15 अगस्त को क्या खास हुआ? 15 अगस्त को पता है आज देश में क्या हुआ था? वंदे मातरम बोलते, जनगण गाते हैं। हाँ, और आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना? हाँ, तो आज आप स्लोगन लगाएंगे ना? हाँ, चलिए। और कौन है? हाँ, आप बताइए नाम क्या है? लोकेश। जोर से बोलिए। लोकेश आज स्कूल में क्यों आए हो? 15 अगस्त है इसीलिए। 15 अगस्त है इसीलिए आए हो? अच्छा, आप क्यों आए हो? 15 अगस्त है इसलिए। 15 अगस्त है इसलिए आए हो। आपका झंडा कहाँ है? आपका झंडा इसको दिया। किसको दे दिया? इसको। अरे, आपने इनका झंडा ले लिया? वो कोई ले लिया आपका झंडा? हाँ, तो आपने दे दिया। अच्छा, और कौन? चलिए। हाँ, यहाँ बेटा आप बताओ आज स्कूल क्यों आए हो? आज हमारा देश आज़ाद हुआ। मतलब आपने एकदम सीधे कह दिया। हाँ, आज का दिन 15 अगस्त है ना? आज देश आज़ाद हुआ था, पता है? हाँ। ओके, आप राष्ट्रगान गाते हो? हाँ। ठीक है, चलिए। और कौन? आपका नाम क्या है? सुहाना मलिता। आज क्या दिन है? 15 अगस्त जी। चलिए, सबको शुभकामनाएं, और देख सकते हैं बच्चों में जज्बा, अब फ्लैग होस्टिंग होने वाला है। कैमरामैन, हम चाहेंगे फ्लैग होस्टिंग को एक बार आप दिखाएं, और इसी के साथ हम चाहेंगे कि ये तमाम बच्चे आने वाले भविष्य देश का ये खुशहाल रहे, खुशनुमा वातावरण में पले, अच्छी शिक्षा मिले और अच्छे संस्कार मिले, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए।
और हमारे समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और इसी कामना के साथ, बच्चों को शुभकामनाओं के साथ, आप तमाम लोगों को शुभकामनाओं के साथ मैं यही विदा लेता हूं। मैं अनुप दत्ता, न्यूज़ संगठन।